क्या सुन रही? कपूर, बहुत रिलीफ मिल रहा था सुनने से। आज क्या पी रहा? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और ब्लॉगर मजा आ रही है? पॉइंट बजी हुई है। हेलो सारा जी। हर महादेव। जय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेंपल में, तुंगनाथ महादेव। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल सनातनु व्लॉग्स। तो मई महीने में एकदम बर्फीली सर्द सुबह में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपने कल देखा कि हम नोएडा से और चोपटा तक आ गए थे और हमने यहाँ पे रूम लेके आराम से स्टे किया। ठंड की हालत ये थी कि रात में करीब -2 तक टेम्परेचर चला गया था, यहाँ पे काफ़ी ठंड थी। डबल कंबल भी ओढ़े हुए थे हम लोग, लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी लग रही थी। लेकिन ठीक रहा स्टे, कुल मिला के इतना कुछ ज़्यादा नहीं दिक्कत हुई, लेकिन सो लिया। अंश, आपने नींद करी थी? नीनी कर चुके हैं। तो ये हमारा रूम था और ये हमारे रूम के बाहर का व्यू देखिए आप पीछे। आई डोंट नो कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी पहाड़ियाँ सब दिखने में लगी हुई हैं, काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। तो अभी प्लान ये है कि अभी बज चुका है सुबह का, करीब 7 बजने वाला है और हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। तो वी विश कि एक ट्रैक अच्छा रहे, इसी तरह से खिला रहे पूरा दिन, बारिश ना हो। तो चलिए अब सबसे पहले चलते हैं ऊपर, चाय पीते हैं, थोड़ी सी शरीर में गर्माहट लाते हैं और फिर चलते हैं बाबा महादेव के धाम पे। तो अभी हम निकल के कार तक आ चुके हैं और तनु अब शूज पहन रही है, वो ट्रैकिंग के लिए रेडी हो रही है। अंश ने भी शूज पहन लिए। अंश भी ट्रैकिंग करेगा? ओ मैं ट्रैकिंग करेगा। और पगलू हो तुम। तनु कैसा लग रहा है अभी? तो बहुत मजा आ रहा है, ठंडा बहुत है, बहुत ज्यादा ठंडा है। आज को ठंडा लग रहा है। हमने इतने आज को ठंडा लग रहा है। हमने इतने सारे ट्रिप किए हैं अभी तक, विंटर्स में भी और समर्स में भी, बट ये ट्रिप बहुत ज्यादा हमारा चिल्ड है। मैंने भी अपने ट्रैकिंग शूज निकाल लिए, मैं अभी चेंज करके फटाफट शुरू करते हैं अपनी ट्रैकिंग। तो अभी हमने अपने बल्लन भैया को गुड बाय कर दिया है यहाँ से और ट्रैकिंग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल चाय पी के। ट्रैकिंग यहाँ से शुरू होगी हमारी, लेकिन उसके पहले अभी हम फिलहाल चाय पानी कुछ करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये रास्ता यहीं से ट्रैकिंग शुरू हुआ, यहीं पर कल हमने डिनर भी किया था। फिलहाल अभी हमने ऑर्डर किया अपनी चाय और क्या क्या ऑर्डर किया, कौन कौन से पराठे मंगाए? आलू का पराठा है, गोभी का पराठा, आलू का पराठा अंश के लिए, गोभी पराठा हमारे लिए। थोड़ा ही खाके चलेंगे, लाइट चलने में दिक्कत हो जाएगी। बुक्कू रख दिया अंश को, तो पराठा हमने ऑर्डर कर दिया, तो वेट कर रहे हैं। तो अंश की बुक्कू शांत हो गई, फिर हमारा पैकिंग हो गया। दो नहीं तीन। अभी हमारा ये गोभी पराठा आ चुका है जो साइड साइड से जल रहा है थोड़ा सा, बट पता नहीं खाने में कैसा। आलू का पराठा तो अच्छा है, आलू का पराठा तो काफी टेस्टी है। तो अभी हमारा चाय पानी सब कुछ हो चुका है और अभी हम बिल्कुल ट्रैक के रास्ते पे आ गए। हमने अपनी अपनी डंडियाँ भी ले ली हैं और ये है पीछे गेट, ये आप देख सकते हो पीछे गेट है, यहीं से शुरू है चढ़ाई। हम सब तैयार हैं एकदम, चलो अब शुरू करते हैं चढ़ाई। क्योंकि बाबा भोलेनाथ का नाम बोलो, तुंगनाथ महादेव की। तो अंश का हो चुका है पिट्ठू आने जाने में और यहाँ पे कोई पिट्ठू प्रॉपर नहीं है जो भी को कंधे पे बैठ के जा रहा है। तो अभी हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी है। यहाँ पे भाई कोई भी बच्चे के साथ आए तो या तो बच्चे को घोड़े पे बैठ के ट्रेन करा के लाए और या तो फिर पिट्ठू, ऐसा ही होगा भाई यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, तुंगनाथ महादेव दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3680 मीटर की है। और आप को ये भी शायद पता होगा कि तुंगनाथ महादेव उत्तराखंड के पंच केदार में से भी एक मंदिर है जिसमें भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट ईयर दिवाली के आसपास हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ और कल्पेश्वर की यात्रा करी थी। केदारनाथ, कल्पेश्वर उन पंच केदार के 2 केदार थे और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग को तीसरे केदार करने का भी मौका आज मिल रहा है जो कि तुंगनाथ महादेव का है। ये पंच केदार का तीसरा केदार कहा। तो आप भी हमारे साथ इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए पूरे ट्रैक को कंप्लीट करिए और तुंगनाथ महादेव के दर्शन का लाभ उठाइए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। चढ़ाई कितनी खड़ी है आप देखो, यहाँ से प्लेन में मैं दिखा रहा हूँ लेकिन फिर भी कितनी चढ़ाई दिखती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है। तो ये जो शॉप ऊपर दिख रही है आपको, यहाँ पर हमने सोचा जितने भी बैग वैग लेकर आए हम सब रख देंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है अपने वजन को ही ढोना, ऊपर से हम बैग वगैरह भी ले आए।
तो अभी हमने अपने बैग वैग सब हल्के कर लिए हैं और अब थोड़ा सा चलते बन रहा है। व्यूज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हालत ख़राब हो रही है ट्रैकिंग में। पीछे देखिए एकदम बर्फ़ के पहाड़ है और ऊपर ही चलते चलना है, चलते जाना है। और आगे तनु चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 4 से 5 दिन के बाद आज मौसम इतना खुला है। ये आगे तनु जा रही है, कैसा लग रहा है? थक गए यार बहुत ज़्यादा। 1 किलो में थकावट हो गई। कपड़े सारे पहन के आए तो पूरा कवर हो गया, सब निकल गए। यहाँ की चढ़ाई सच में केदारनाथ से भी टफ है लेकिन व्यूज बहुत अच्छे हैं। ये आप देखो, यहाँ खड़े होके आप 360 डिग्री देखो, मजा ही आ जाएगा। और ब्लॉगर मजा आ रही है। व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है। यहाँ से हम लोग आए हैं, चारों तरफ से बर्फ की पहाड़ी दिख रहा है। यहाँ पर क्या सुन रही? कपूर, बहुत रिलीफ मिल रहा है सुनने से। मुझे तो रिलीफ पीछे देखने से मिल रहा है। सही बात है, नज़ारे आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। नज़ारों को देखते देखते चलना थोड़ा इजी हो रहा है, अदरवाइज चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। बट व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। केदारनाथ में जैसे हमने व्यूज देखा था वहाँ का व्यू सिर्फ टॉप पे जाके अच्छा था, बट यहाँ तो स्टार्टिंग से व्यू को बहुत अच्छा। ये इसको शायद चौखंबा रेंज बोलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं करीब कितना, 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर हो चुका है हमारा। आ देख सकते हैं ये पूरा छोटा सा सेटअप है जहाँ पे लोग फोटो शूट करते हैं बैठ के यहाँ पे। और पीछे का व्यू कहने ही क्या, आप खुद देख सकते हैं कितना सुंदर सा व्यू हो रखा है यहाँ का। ये वैली बहुत ही सुंदर है, मतलब यहाँ पे रास्ता ही इतना प्यारा है। चलने में थकावट लग तो रही है लेकिन वो फील ज़्यादा नहीं हो रही है। रुक रुक कर चलना ईजी है यहाँ पे। तो अगर आप भी ये ट्रैक करेंगे इन फ्यूचर, अगर अभी भी आप यहाँ विजिट करते हैं तो आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप लेके चलेंगे तो चढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा कम्पेयर टू लंबे लंबे स्टेप लेने में। उसमें थकावट बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो अभी थोड़ा इजी हो गया है कि 2 किलोमीटर ही बचा है हमारा। तो मोस्ट प्रोबेबली 11:30 तक पहुँच जाएंगे हम लोग। तो अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं कपूर को सुनते हुए। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अंश क्या पी रहा? और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आए हैं तो कूड़ा बिल्कुल ना फैलाएं। उत्तराखंड को, पहाड़ों को साफ़ सुथरा रखें। हमने भी चॉकलेट्स वगैरह खाए थे तो उसके रैपर्स हमने अपने पॉकेट में डाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं इस तरह के रैपर चला रहे हैं। ये सब गंदगी फैली हुई है यहाँ पर। तो प्लीज़ पहाड़ों को साफ़ सुथरा रखें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये पैनारोमिक व्यू है यहाँ का। अभी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर चढ़ाई बची है। तनु यहाँ बैठी है, पंच तो आगे निकल गया है। और ये है यहाँ का व्यू। तो पंच केदार सारे यहीं से दिखते हैं। तो यहीं पे कहीं ये केदार वैली है, ये चौखंबा है, यहीं कहीं रुद्रनाथ है, सब पहाड़ों पर है। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का।
तो हर 10-15 मीटर पे सांस फूल लगी है। यहाँ पड़ी हुई बर्फ है। यहाँ से मंदिर का व्यू देखिए, आप दिख रहा है पहला, ये देखिए थोड़ा ही बचा है बस। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घोड़ा पड़ाव, यहीं तक घोड़े आपको लेकर आएंगे और यहाँ से आगे आपको थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। वो है बाबा तुंगनाथ का मंदिर, बस आ ही गए पास में। जैसे जैसे मंदिर के पास आ रहे हैं बर्फ़ दिखती जा रही है, मज़ा बहुत आ रहा है। पूजा वूजा का कुछ लाने की नीचे की ज़रूरत नहीं है, आपको सब यहीं मिल जाएगा। आराम से आइए बिना किसी बैग के, अगर ट्रक कर रहे हो आप। कितने की थाली भैया? 100 का 150 200। थाली कितने की? 150 का 200 का। ये 50, ये 100। अच्छे, 100 वाले में क्या है? 100 वाले में ये टर्मेरिक नारियल लावा। ओके, ले लो एक दे दो भैया 100 वाला। अभी हमने इस शॉप से 100 रुपये वाला प्रसाद ले लिया, बहुत अच्छा था। ठीक है, इतनी हाइट पे आके आपको प्रसाद वगैरह सब मिल रहा है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। देखिए जगह जगह पे स्नो देखने को मिलेगी आपको पड़ी हुई, और देखिए जितना आप ऊपर देखते जाओगे ये सारा स्नो का ही दिख रहा है आपको, जितना वाइट पोर्शन है ये सब फ्रेश स्नो पड़ी हुई है। ज़बरदस्त माहौल है, बड़ा शौक था बर्फ से खेलने का तो हमने भेज दिया। देखें धीरे धीरे, देखें उछालो उछालो। अरे आज 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 पूछो मजा आया, आज जिंदा पूछो मजा आया। नहीं मजा नहीं आया, ठंडा है बहुत। तो हम इस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है तुंगनाथ की तरफ, मंदिर बिल्कुल आ ही गया है। और ये रास्ता जाता है 1 किलोमीटर का चंद्रशिला तक के। तो अभी पहले महादेव को दर्शन करते फिर हम सोचते हैं कि ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। तो चलिए पहले चलते हैं महादेव के दर्शन करने। आ चुके हैं बाबा तुंगनाथ के द्वार पे। ये यहाँ का जूता स्टैंड वगैरह। शूज तो उतारो, शूज चलो। अच्छा ऐसे चेक करते हैं। अच्छा, और ऐसे करते भी जाना है, घंटी बजाना है। पापा घंटी बजाते हैं उसकी। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो बोलो कसके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेंपल में, तुंगनाथ महादेव, और ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे। बड़ा ही थकावट भरा सफ़र था लेकिन यहाँ आके सारी थकावट चली गई है। और यहाँ पे अंश और तनु लाइन में लगे हुए हैं, अंश जयकारे पे जयकारा लगा रहा है। और ये देखिए यहाँ का व्यू, पूरी केदार घाटी
चौखंबा घाटी अभी तो फिलहाल बादलों के पीछे छुप गई है, लेकिन जबरदस्त व्यू है यहाँ का। और ये बैठे हैं यहाँ माँ हमारे महादेव। मंदिर के दर्शन हो गए और मंदिर में सारा अली खान आई हुई थी तो उसके भी दर्शन हुए हमें। ये है महानंदा पार्वती जी का मंदिर और यह कहा जाता है ये सारे पांडवों का मंदिर है। और आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। गजब का व्यू है यहाँ पे, पूरे बादल इस समय छा रहे हैं, उस बारिश का मौसम होने वाला है, बस हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ से। ये है तुंगनाथ महादेव के पीछे का दृश्य और ये देखिए चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़, और इस समय पूरे बर्फ के पहाड़ पे बादल छा चुके हैं, नहीं तो बिल्कुल सफेद सफेद पहाड़ दिख रहे थे। तो ये देखिए पूरी बर्फ पड़ी हुई है पीछे। मैं दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं, ऐसे लिया और ऐसे मारा। One, तो जैसा कि मैंने पहले शुरू में बताया और आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा कि सारा अली खान भी उसी दिन भगवान तुंगनाथ के दर्शन को आई थी। तो उस दिन हमें एक बॉलीवुड स्टार का एक नया रूप देखने को मिला, जिसमें ना ही वो कोई बहुत ही लंबे चौड़े सुरक्षा दस्ते में थी, बिल्कुल नॉर्मल भक्त की तरह जैसे हमने दर्शन किए उन्होंने भी दर्शन किए और बिल्कुल छुट्टी के मूड में वो आई हुई थी भगवान के दर्शन करने के लिए। एक शूट हो रहा है और लोग वो जा रहे हैं चंद्रशिला पीक की तरफ, पूरी रास्ते में बर्फ ही बर्फ है, तो दिख भी नहीं रही है चंद्रशिला पीक को। मैं चंद्रशिला व्यू का थोड़ा सा देता हूँ, हालांकि वो बादलों में छुप गया है चंद्रशिला। ये देखें, ये देखिए जो बादलों के पीछे छुप गया है बिल्कुल यही है चंद्रशिला पीक। लोग जाने वाले जा भी रहे हैं लेकिन आई डोंट नो कि वहाँ पे जाके दिखेगा कुछ नहीं तो फायदा नहीं है, तो हमने डिसाइड किया नहीं जाने का। बादल भी बहुत ज्यादा है और चंद्रशिला का मस्त मजा तभी है जाने का जब वहाँ ऊपर जाके मौसम क्लियर हो और 360 डिग्री व्यू दिखे, तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया जाना। बाकी बाबा तुंगनाथ के दर्शन बहुत अच्छे हुए, ट्रैक में काफी थकावट थी लेकिन बाबा के दर्शन करने के साथ ही सारी थकावट हमारी मिट गई है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे अंश कैसे बर्फ को एंजॉय कर रहे हैं, जाने को राजी नहीं है बिल्कुल भी। बट अब हमने पूरा ट्रैक आपको दिखाया, कुछ व्यूज दिए, हम सच में केदारनाथ भी होकर आए, आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे भले ही डिस्टेंस कम है लेकिन इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, एलिवेशन बहुत ज्यादा है और ये बर्फ ही खेल रहा है तब से, जाने को राजी नहीं है। तो चलिए हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको तुंगनाथ बाबा के दर्शन आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगे हो तो कमेंट में प्लीज जय तुंगनाथ बाबा, जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जो भी आप बोलते हैं वो जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हो। इसी तरह के वीडियोस हम डालते रहते हैं अक्सर। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लेके बाबा तुंगनाथ का नाम। बोलो बाबा तुंगनाथ की जय।